वो प्लॉट के मालिक भी नगर निगम उदयपुर बन गई। पर जो आदमी साइन करता है वो दोषी होता है, इसलिए हम कमिश्नर को बार बार दोषी कर रहे हैं। उसी टेन्योर के अंदर इन भूखंडों के फर्जी कागज बनने शुरू हुए जी। उस कार्यकाल में 3 पार्षद आए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों को मालूम था, पर वो चुप रहे। वो तो रग रग को मालूम है, वहां पे यहाँ पे कोई कागज हिल जाए और उसको मालूम नहीं है तो वो उसकी अधिकारी कैसी की तैसी कर। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है। निश्चित रूप से एसओजी में जांच चल रही थी, लेकिन वो जांच चल नहीं रही थी, जांच डंप होके और कूड़ेदान में पड़ी हुई। उन्होंने कहा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इस बाबत उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है, बहुत ईमानदार महापौर बैठे हैं, इन्होंने अधिकारियों को 16 सीसी और 17 सीसी का नोटिस दिया। उस नोटिस का क्या हुआ? उसमें खुद जो कहते थे कि मैं समिति का अध्यक्ष हूँ जो थे नहीं, उनके साइन नहीं जी। पर वो ये बात कहते हैं ना बार बार कि मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदारी की परिभाषा के पूरा घोटाला जो हुआ है 80% वो घोटाला तुम्हारे कार्यकाल में हुआ 2.5 साल के अंदर। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि भले सामने वाले ने कुछ भी गलत काम किया हो, लेकिन उससे एक्सप्लेनेशन तो कॉल करना ही पड़ता है। कैमरे के सामने इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिम्मत सिंह जी बारठ को बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान पार्षद है, उनका भाई राजेंद्र धाकड़ इस मामले में इन्वॉल्व किया या नहीं किया, उस पर क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? वहाँ पे जो समिति के हमारे अध्यक्ष थे उस समय, एक जांच कमेटी के, उनको ले जाके प्लॉट बताया, उन्होंने कहा बड़ो प्लॉट भी वे गई। बोर्ड पे आरोप लगा हमारा बोर्ड दोषी था, तो उस समय आपके पास में बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल खुली व्यवस्था थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। पर नगर निगम के आने वाले समय में चुनाव है, वो इस डैमेज कंट्रोल को दूर करने के लिए 272 का मामला उठा के दबाना चाह रहे हैं। विधानसभा में जो रिकॉर्डेड बात है, उस रिकॉर्डेड बात को सिर्फ खाली एक खेल खेल में तो नहीं उठा लिया होगा। भ्रष्टाचार जो भी व्यक्ति करेगा उसकी कोई पार्टी नहीं है, भ्रष्ट व्यक्ति को उसका सही अंजाम देना चाहिए। लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि 60-70 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जेल के शिक्षकों के पीछे डाला है। जब एसओजी की जांच चली और उन्हीं व्यक्ति ने फतेह सागर पे आपके कार्यक्रम में मेरे को नीच नीच का, आपके पास भी रिकॉर्डेड होगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेरा और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और शहरी सरकार की 9 नाकामियां। तो आज नवरात्रि का 6वां दिन है और 6ठी बड़ी नाकामी दिखाने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। तो 6ठी बड़ी नाकामी है 272 भूखंड। जी हाँ, उदयपुर शहर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जिसके लिए शहरी सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है, वो है 272 भूखंड का घोटाला। हालांकि ये जो विषय है, ये विषय सबसे अलग इसलिए है क्योंकि जहाँ एक ओर कांग्रेस तो इसका भरसक विरोध यहाँ पर कर रही है, उसी के साथ साथ बीजेपी का एक दड़ा जिसका नेतृत्व तो स्वयं विधायक कर रहे हैं वो भी इसके विरोध में यहाँ पर आ गया है। और अभी हाल ही में विधायक जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। इस पूरी बातचीत के लिए जो 2 वक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो राम कृपा जी शर्मा जो कि बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना जी। और दूसरे जो वक्ता हैं, इस पूरे जो 272 भूखंड हैं इसको उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने अदा करी है, अजय जी पोरवाल साहब हमारे साथ हैं, आपका भी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, पूर्व पार्षद हैं, पूर्व सहवत पार्षद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और उदयपुर की जनता को नवरात्रि, आने वाले दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी।
आपको बता दें कि 1200 करोड़ रुपए का जो बड़ा घोटाला, उदयपुर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जिसके लिए शहरी सरकार जिम्मेदार है, वो अधिकारी, वो नेता जो इस गलियारे का प्रयोग करते हैं, कैमरामैन उस गलियारे को दिखाने का प्रयास करें, इसी गलियारे के माध्यम से वो अधिकारी और वो नेता अंदर जाते हैं। घोटालों की पटकथा यहाँ पर ही लिखी जाती है। सबसे पहले पोरवाल साहब, आप बताएं 272 भूखंड का जो घोटाला है, इसको उजागर करने में किन किन लोगों का आपको सहयोग रहा और किन किन लोगों का नाम है इसके अंदर? देखिए साहब, 2002 के बाद 10 के तक सरकार ने जो यूआईटी ने कॉलोनियाँ डेवलप की थी हिरणमंगरी जी, वो हिरणमंगरी की कॉलोनियाँ का डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी रख रखाव और सफाई करने के लिए उन्होंने कहा, अब ये सरकार, राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला कि ये कॉलोनियाँ अब नगर निगम, उस समय नगर परिषद हुआ करती थी, ये संभालेगी जी। तो एक प्रोसेस होता है कि भाई हिरणमंगरी की ये कॉलोनी सेक्टर 3 है कि इनके ये प्लॉट हैं, ये बिके हुए हैं, इनके कागजात गिवन ओवर और टेकन ओवर, देना और लेना। तो उन्होंने जो कागज़ दिए इनसे साइन कराए और इन्होंने जो कागज़ लिए उन पर साइन करके इनको दिए जी। 2009 से लेकर 14 के बीच में मैं कांग्रेस सरकार से वार्ड नंबर 4 से पार्षद था जी। एक आरटीआई लगाई, आरटीआई में दोनों जगह से मैंने आरटीआई में लिए, भाई आपने कितने प्लॉट दिए और इन्होंने कितने प्लॉट, दोनों जगह से लिए। 2012-13 में मुझे ये जानकारी मिली कि जो कॉलोनियाँ डेवलप की उसके अंदर कुछ प्रीमियम प्लॉट जो होते थे वो यूआईटी ऑक्शन नहीं करती थी, वो खाली थे। अच्छा, वो प्लॉट के मालिक भी नगर निगम उदयपुर बन गई जी। उन प्लॉटों की संख्या करीबन 385 थी, पर मेरा ये उस समय कॉन्फिडेंस था कि 272 प्लॉट मिलेंगे, करीब 150 प्लॉट हमने गिने थे जी। 2013 के अंदर जब मैं यहाँ पार्षद था, मेरी महापौर रजनी डांगी जी थी जी, एक प्लॉट पे एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, उसने मकान बना लिया था। मैंने उस समय कुछ मेरे मित्रों से चर्चा की थी, उस मित्रता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े अच्छे लोग थे और कांग्रेस के भी थे, हम सभी ने जाके मिलकर रजनी डांगी से बात करी, हमने कहा ये प्लॉट नगर निगम का है, उन्होंने जांच करी, वो नगर निगम का प्लॉट मिला। उस समय हमारा 2014 में चुनाव से पहले का समय था, रजनी डांगी जी ने लास्ट 6 महीने के अंदर 197 प्लॉट पे ये संपत्ति नगर निगम उदयपुर के उन भूखंडों पर प्लॉट लगाए थे। अच्छा, फिर रजनी डांगी जी भी चले गए, हम भी पार्षद हट गए। उसके तुरंत बाद यहाँ पे आरएस ऑफिसर भारत साहब थे और नए हमारे उदयपुर के सबसे हिम्मत की गाथा है तो पूरा हिंदुस्तान गाता है, और हमारे सबसे भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार महापौर बने चंद्र सिंह जी कोठारी। आपके तो पड़ोसी है ना? अरे पड़ोसी है ना भैया, इसीलिए ईमानदार कह रहा हूँ मैं। उन्होंने, उनके कार्यकाल शुरू हुआ उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि कुछ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में डिस्प्यूट था, तो उसके लिए उनको प्रभारी के रूप में चंद्र सिंह जी कोठारी ने 2 साल सेवाएं दी। उनको सारी बात मालूम थी कि ये भूखंड खाली है, इन भूखंडों में ये हो रहा है, पर जो आदमी साइन करता है वो दोषी होता है, इसलिए हम कमिश्नर को बार बार दोषी कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको बता दूं, चंद्र सिंह जी कोठारी यहाँ पे महापौर उदयपुर शहर में बने, उन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए उदयपुर के 50 बड़े कॉम्प्लेक्सों के छतों को पंचर किया और कहा मैं किसी भी हालत में नहीं चलने दूंगा, और बाहर की एक मीटिंग में भी ये कहा आप कोई भी वकील इसकी पैरवी, इन लोगों की पैरवी नहीं करें और वो इनको सबको तोड़ा जाएगा। ये काम तो उन्होंने ईमानदारी से करवाया, पीछे से क्या हुआ, उसी टेन्योर के अंदर इन भूखंडों के फर्जी कागज बनने शुरू हुए, उसी टेन्योर के अंदर खाली 1.5-2 साल में ये कागज बने। अच्छा, कागज बनते गए। आपको बता दूं, जिस ढंग से जो डीएलसी रेट आज की तारीख में किसी भूखंड की अगर मान लो 2000 रुपये है, तो वो भूखंड खाली 1500-1800 रुपये में बाजार में बिक गया, जबकि वास्तविक कीमत उसकी 5000 रुपये बाजार में। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह से भूखंड के पट्टे बने, सबसे पहले तो उसका नामांतरण, फर्जी नामांतरण किया, फिर उसको भवन अनुमति दे दी, फिर उसके पट्टे बन गए, और बनाने के बीच में अकेला अधिकारी नहीं कर सकता है क्योंकि पूरा बोर्ड था और हमारे तो 3 पार्षद आए थे जी उस कार्यकाल में, 3 पार्षद आए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों को मालूम था पर वो चुप रहे जी। मैं पुनः 2000 भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को ध्यान थी नहीं, कुछ नेताओं को जो आगे, भारतीय जनता पार्टी में एक पार्षद तो 5 बार बना ना
वो तो नग नग को बांध मालूम है ना यहाँ पे जी, वो तो रग रग को मालूम है वहाँ पे। यहाँ पे कोई कागज हिल जाए और उसको मालूम नहीं है तो वो उसकी अधिकारी कैसी की तैसी करते। वो नेता तो खुद ये कहते हैं कि कहाँ है 272 भूखंड, बताओ ना। जांच कमेटी में 85 प्लॉट है उन्हीं के, मेरा दोस्त राम कृपा जी है, इनको बताए सारे कागज, संख्या बताई मैंने अभी उनको। और एक आपको और बताओ तो चाहे आप उनको मेरे सामने बहस करने के लिए लेके आए हो, पर जो विधानसभा में जो हमारे उदयपुर के विधायक ने जो प्रश्न उठाया ना, उस सारे मामले को राम कृपा जी ने समझा, उसके बाद उन्होंने बहस की। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है, घोटाला तो हुआ है, पर एक धड़ा ही ये मान रहा है कि घोटाला हुआ है और एक धड़ा अभी भी ये कहता है कि कहाँ है 272 भूखंड, बताओ ना। ऐसा जैसे ही नगर निगम को इस बात की जानकारी हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है अजय जी पोरवाल साहब ने इसको बीड़े को उठाया था, निश्चित रूप से सराहनीय काम किया, उदयपुर शहर के हित में काम किया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नगर निगम को इसकी जानकारी हुई, नगर निगम ने अपना एक इंटरनल कमेटी बनाई, इंटरनल कमेटी में अधिकारी थे, कुछ पार्षद थे, उन सब ने मिलकर इसकी जांच की और जांच करने के बाद में जो संदिग्ध लगा उसको उन्होंने सूचीबद्ध करके और उसको स्क्रूटनाइज करने का काम किया। एक मिनट जी, उसके पश्चात कमेटी बात कर लेता हूँ, आपने बात मैं एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद में लगातार अजय जी पोरवाल साहब की पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कई बार अप्रोच किया, जयपुर तक व्यवस्थाएं प्रयास किया कि इसको तो एसओजी में जांच चल रही थी ना, निश्चित रूप से एसओजी में जांच चल रही थी, लेकिन वो जांच चल नहीं रही थी, जांच डंप होके और कूड़ेदान में पड़ी हुई थी। ये दावे से कह सकते हैं? मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन जब दिसंबर 2023 में ताराचंद जी जैन इस शहर के एमएलए बने, अजय जी पोरवाल साहब ने उनको पेपर लाके दिए, उस पेपर को वापस हमने स्क्रूटनाइज कराया और स्क्रूटनाइज कराने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कितना बढ़िया एक जनप्रतिनिधि हमको मिला, जिसने न सिर्फ विधानसभा में इस प्रश्न को लगातार उठाया 3-4 बार प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से और एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रश्न को उठाया और इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के नगर विकास मंत्री ने वहां पर विधानसभा के अंदर घोषणा की कि इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उसके कृत्य की सजा मिलेगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो। पर एक मुख्य प्रश्न है आपसे, आप ही की पार्टी का 6वां बोर्ड यहाँ पर है, कांग्रेस ने अभी तक कभी भी मतलब महापौर का कमरा उपमहापौर का कमरा देखा ही नहीं बैठ के सीट पर बैठ के, तो जो दोषी हैं उसमें से कई नेता तो आप ही के होंगे। अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि कौन नेता होगा, क्योंकि जब पार्टी की बात नहीं है, यहाँ शहर के विकास की बात है, शहर के डेवलपमेंट की बात है और हमारा शहर ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़े, हमारे शहर में स्वच्छता रहे, हमारे शहर के लोगों का चरित्र अच्छा रहे, इस पूरे विषय को लेकर हमने पूरा दिमाग, हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने भी इस विषय को लेकर चलाया और जो हमारे पंजाब के आदरणीय राज्यपाल हैं महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी, उनका भी पूरा सहयोग रहा, उन्होंने कहा कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इस बाबत उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। जो अभी माननीय राज्यपाल साहब हैं, पंजाब के राज्यपाल साहब हैं, उनकी नाक के नीचे इस तरह की घटना हो गई, क्या उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था? आपको ये जानकारी होगी कि पिछला जो विधानसभा थी अशोक गहलोत सरकार साहब के टाइम पे, उसमें गुलाब जी प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी इस विषय को विधानसभा में उठाया, लेकिन समय की कमी थी, उसके बाद में विधानसभा भंग हो गई और नए चुनाव आ गए, इस वजह से उनका जो काम छोड़ा हुआ था उस काम को आदरणीय ताराचंद जी जैन ने आगे बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है जी। गुलाब जी भाई साहब ने इस विषय को उठाया था, ताराचंद जी ने इसको आगे बढ़ाया, इस कथन में कितनी सत्यता है? देखो, एक बात सही है कि ये बात सही कह रहे हैं राम कृपा जी कि ताराचंद जी जब एमएलए बने थे और मैंने उनको अपनी व्यथा सुनाई कि 272 प्लॉट कैसा हुआ है और 1200 करोड़ का मामला है और अपन एलिवेटेड रोड बनाने भी जा रहे हैं और अपन सरकार से पैसा लेना चाह रहे हैं, अपन 4 एलिवेटेड रोड बना सकते हैं। उन्होंने मेरी बात को मानी, उन्होंने कहा पहले इस मामले को समझूंगा, मैंने सारे दस्तावेज उनको दिए, फिर उन्होंने अपने आप जैसे लोगों से बात की और उन्होंने उठाया। यह बात निश्चित तौर से बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अगर ये मान रहा है कि इस मामले में कुछ न कुछ हुआ है तो घोटाला मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? देखो, आप एक मीडिया एक नया प्रश्न उठा रहा है कि एक धड़ा नहीं एक व्यक्ति। मैं आपको आज एक नई चीज़ और बता रहा हूँ, इससे पहले एक बहुत अच्छे पार्षद इस बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के थे, नानालाल जी भैया, आप उनसे भी जानकारी लें, वो भी कहते हैं, उन्होंने भी कई बार तत्कालीन मेयर को भी कहा
और कई नेताओं को उनके कहा पर वो उन लोगों ने ध्यान नहीं लगाया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ताराचंद जी ने आपके जो आपका दिया हुआ जो सब्जेक्ट था उसकी पूरी स्टडी करी, आपने बताया कि बिल्कुल शहर हित में उन्होंने कार्य करने की सोची, आपने उन्हीं को क्यों बताया? तो शहर के एमएलए और किसको बताएंगे? आपने आपकी सरकार में रहते हुए हर प्रयास करा था, एसओ जी की जांच चल रही थी तो उसका भरोसा रखते ना आपको एसओ जी की जांच पर भरोसा नहीं था क्या आपको? मयूर जी एक बात समझें, सबसे पहले जब ये माहौल बहुत जोरदार हो रहा था, मैंने शहर में इस मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बहुत बढ़िया नेता हैं और कुछ सार्वजनिक नेता और कुछ कांग्रेस के नेता, हमने एक कमेटी बना रखी थी 11 जनों की, क्योंकि लिटिगेशन का भी काम था, कहीं हो सकता है किसी को प्लॉट नगर निगम ने अलॉट कर रखा और अपन का आरोप लगा दें, तो पहले इस सब चीज़ों को सोच के फिर इस मामले को उठाया था। सब ने यह तय किया था कि अपन इस मामले को एसओजी में दर्ज कराएंगे, उससे पहले आप करें एसओजी के अंदर मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। मेरी बात समझे सर, उस समय प्रवास पे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो तत्कालीन थे वो आए थे, हम सब जने जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, कांग्रेस के थे, सामाजिक थे, हमने उनको दस्तावेज दिए, उन्होंने दूसरे दिन एसओजी के अधिकारी को यहाँ भेज दिया जी। एक बात आप ये कह रहे हैं, महामहिम जो तत्कालीन विपक्ष के नेता थे गुलाब जी भाई साहब, उन्होंने अखबारों में तो ये दिया था कि मैंने इस मामले का प्रश्न उठाया, पर मैंने कहीं भी विधानसभा के किसी मामले में नहीं देखा जी। पर मावली के विधायक धर्मनारायण जोशी थे, उन्होंने जोर करोश से उस मामले को विधानसभा में उठाया था और कांग्रेस के खिलाफ भी बोले थे, पर उन्होंने कहा था इसकी जाँच होनी चाहिए, सरकार ने भी उसे कहा जाँच चल रही है एसओजी की। मैं आपको बता दूँ एक मुद्दे को जो उठाया 1200 करोड़ का, उसके मामले में 20 बार तो जयपुर गया मैं एसओजी के लिए, 12 बार जोधपुर गया हूँ, अभी आपके ताराचंद जी ने उठाया, उसके बाद अजमेर का अधिकारी लगा उनसे 4 बार मिला, यहाँ पे उदयपुर एसओजी में आपको बता दें महीने में एक बार जो उदयपुर के एडिशनल एसपी उनसे हम मिल रहे हैं रेगुलर कि इस मामले में कुछ ना कुछ करें। पर इधर दूसरी तरफ एक बात कह रहा हूँ आपको, नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है, बहुत ईमानदार महापौर बैठे हैं, इन्होंने अधिकारियों को 16 सीसी और 17 सीसी का नोटिस दिया, उस नोटिस का क्या हुआ? नगर निगम ने जिन प्लॉटों पे एफआईआर करी उनका रिजल्ट क्या रहा? कहाँ है प्लॉट उसकी बात कर रहा हूँ, उनको 50 बार सूची दी, ये रामकृपा जी बैठ खड़े हैं मेरे बड़े भाई साहब, इनको पूछो इन्होंने कागज मांगे दिए या नहीं दिए, भाई साहब कागज दिए या नहीं दिए, प्लॉटों की सूची दी नहीं दी, और प्लॉटों की सूची भी स्क्रूटनी करके दी हमने कि भाई इस प्लॉट में उन प्लॉटों को आज आप सार्वजनिक करो ना, आप सार्वजनिक क्यों नहीं करो? मयूर जी आपको भी मैंने लिस्ट दी, आपने मेरे को कहा था मैं एक एक खोलूंगा, खोला ही नहीं, मैं इंतजार कर रहा था उदयपुर न्यूज का एक एक प्लॉट खोलेंगे, खुला ही नहीं। आज बता दो ना चैनल के माध्यम से, नाम आपके मुख से बता दो ना। और आपको आज बता दूं, जो हमने सबसे पहले आप कमेटी की बात कर रहे हैं भाई साहब, उस कमेटी का भी मैं जवाब देता हूं, कमेटी बनाई महापौर साहब ने कहा तेरे को इस कमेटी में रखेंगे, मैंने कहा मैं तैयार हूं इस बात करने के लिए, पहली बैठक हुई जिस ढंग से व्यवहार किया गया, पर मैं मेरे मीडिया के साथी जो मेरे दोस्त थे उनको कहा ये मीडिया अंदर रहेगी, क्या कल मैं अगर बेईमानी कर जाऊँ तो मैं भी दोषी हूँ उसके अंदर, तो मीडिया अंदर थी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा पहले 5 प्लॉट बताओ, मैंने 5 प्लॉट के नंबर बताए, फिर वहाँ पर तय हुआ कि अपन दूसरी बैठक में अपन वहाँ जाएंगे इसके बीच में और पता लगाएंगे प्लॉट है कि नहीं, दूसरी बैठक में हम गए, तीसरी बैठक तो जब मीडिया अंदर आने लगी बैठक में तो उन्होंने कह दिया हमने तो रिपोर्ट बना दी जी, वो रिपोर्ट कैसे बन गई, उसमें खुद जो कहते थे कि मैं समिति का अध्यक्ष जो थे नहीं उनके साइन नहीं, जो आशीष जी थे उनके साइन ही 4 अधिकारी के साइन करा के रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। आपका ये कहना था कि ये चंद्र सिंह जी कोठारी के समय ये सब कुछ, हाँ उस समय निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्माण समिति से इसका मैटर ही नहीं है, ये निर्माण समिति का मैटर नहीं है, ये उस सारे तरह की परमिशन दी गई, निर्माण ने भी कोई परमिशन दी होगी ना? पट्टा बना था, हाँ उस समय पट्टे बने थे, तो उसकी सूची तो गई होगी उनके पास भी, हाँ गई, उनके भी साइन होंगे उसके अंदर जी, दोषी तो वो भी आएंगे जी। पर वो ये बात कहते हैं ना बार बार कि मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदारी की परिभाषा के पूरा घोटाला जो हुआ है 80% वो घोटाला तुम्हारे कार्यकाल में हुआ 2.5 साल के अंदर, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी माना, कांग्रेस ने माना और जनप्रतिनिधियों ने माना है जी, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने इस घोटाले को यहाँ पर माना है। एक मुख्य प्रश्न दोनों से ही, जो शहरी निकाय के जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि 2 से 3 माह के अंदर नगर निगम को आदेश दिए थे कि 2 से 3 माह के अंदर पूरे घोटाले की जानकारी उन तक पहुँचा, इस विषय पर कितनी बात आगे बढ़ी अभी तक? मंत्री जी की घोषणा के बाद मैं निश्चित रूप से, एक तो एसओजी ने अपनी कार्रवाई को तेज किया है,
जैसा अजय जी भाई साहब ने कहा कि SOG के जो एडिशनल SP हैं वो लगातार इस बात को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जांच में समय लगता है, लेकिन वो जांच आगे बढ़ी है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। सेकेंडली कि मंत्री जी ने जिस प्रकार की विधानसभा में घोषणा की उसके अनुसार जो तत्कालीन आयुक्त है हिम्मत सिंह जी बाराट, उनको उनका प्रमोशन भले ही RS से IS में हो गया, वो एक टेक्निकल तरीका कारण होता है, लेकिन उनको चार्जशीट दे दी गई है, 16 CC का नोटिस दे दिया गया है और उस चार्जशीट के जवाब का इंतज़ार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले शहर के माननीय MLA ताराचंद जी जैन वापस मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा चार्जशीट उसको पकड़ा दी गई है, चार्जशीट के जवाब का इंतज़ार है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि भले सामने वाले ने कुछ भी गलत काम किया हो लेकिन उससे एक्सप्लेनेशन तो कॉल करना ही पड़ता है, तो उस एक्सप्लेनेशन कॉल करने के बाद में उनका जो जवाब आएगा उस जवाब के आधार पर सरकार उसके खिलाफ काम करेगी। मंत्री जी ने ये बोला कि भैया 3 माह का या 2 माह का जो भी समय दिया उसके अंदर रिपोर्ट देवे। आप जो ये बात कह रहे हैं, मंत्री जी का जो मैंने विधानसभा में क्लिप सुनी थी, उन्होंने ये बात कही कि हम 30 दिन के अंदर दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेंगे। उस बात को 3 महीने हो गए हैं। ये बात सही है कि शहर विधायक ने 3 दिन पहले ये बात कही थी कि जिस जो अधिकारी यहाँ पे दोषी है बहुत बड़े मामले के अंदर, उसको IS कैसे बना दिया, पर उनको कोई 16 CC या 17 CC या कोई नोटिस दिया आप वो बता रहे ना कि उसका एक्सप्लेनेशन लेना जरूरी है। अगर किसी ने दोष करा नोटिस तो बतावे, नोटिस कहाँ है उसको दिया जो वो तो आज भी नोटिस सार्वजनिक कर सकते हैं। ऐसा है कि प्रमोशन करने का काम जो है वो कार्मिक विभाग का, वो बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, ये UDS डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। UDS डिपार्टमेंट ने चार्जशीट दी है तत्कालीन आयुक्त हिम्मत सिंह जी बाराट को उनके कृत्यों के दावे के साथ कह सकते हैं हिम्मत सिंह जी बाराट को 16 CC का नोटिस प्राप्त हो गया। मैं आपके सामने कैमरे के सामने इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिम्मत सिंह जी बाराट को बहुत जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका जो जवाब आएगा उस जवाब के आधार पर निश्चित रूप से सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है जी। मैं एक बात, तो हिम्मत सिंह जी बाराट अकेले नहीं है, 2 RS और हैं, उनका नाम सार्वजनिक रूप से कागज लेके आऊंगा मैं। पुरवाल साहब आप सबका नाम लेते हो, आप आज नाम कॉमन क्यों नहीं करते हो आप उनके? इसका बाराट साहब का नाम कॉमन, बाराट साहब का नाम कॉमन करा उन नेताओं का, इसमें BJP के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं के संलग्नता है कि नहीं है? बिल्कुल, जो भी कागज के पट्टे बने हैं उन पट्टों के ऊपर जाँच की है, SOG ने भी जाँच की है, मैंने आपके सामने चैनल के माध्यम से और मैंने कई बार मीडिया के सामने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान पार्षद है, उनका भाई राजन धाकड़ इस मामले में इन्वॉल्व किया या नहीं किया, उस पर क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? उसने 28 प्लॉटों पे लफड़ा किया है, 28, और एक प्लॉट तो ऐसा है जो 10 से 20 करोड़ का प्लॉट है, जिसको मैंने वहाँ पे जो समिति के हमारे अध्यक्ष थे उस समय एक जाँच कमेटी के, उनको ले जाके प्लॉट बताया, उन्होंने अतरों बड़ो प्लॉट भी वे गई 200 फीट रोड पे, 15,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, उस प्लॉट को जब दिखाया मैंने कहा इस पे ये, तो उन्होंने कहा उनकी पत्नी के नाम से, मैं कहा ये बात सही है, पत्नी तो डेथ हो गई कोविड में, पर गवाह के अंदर वकील साहब गवाह के अंदर उन राजेंद्र जी धाकड़ का नाम था। अच्छा, और उसके अलावा भी एक FIR सवीना में और लग रही है, उसके अंदर जो जिस आदमी ने प्लॉट करा था वो इनोसेंट था, एक मास्टर था सलूमवर का, उसने प्लॉट खरीदा, उसके अंदर राजेंद्र धाकड़ का एग्रीमेंट लिखा हुआ था, तो उस किसी के तो कार्रवाई करो, अधिकारी पे करो, प्रॉपर्टी डीलर पे करो, किसी ना किसी पे करो। ये बात सही है कि सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता, क्योंकि इस पर बोर्ड किसका बैठा, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड यहाँ पर बैठा है, क्या उसकी वजह से जाँच प्रभावित होती है? बिल्कुल होती है, एक धड़ा यहाँ ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक धड़ा जो आपको बता दूँ, ये तो अभी MLA साहब बने साल भर से, उन्होंने अभी मामला उठाया और दूध का दूध पानी करने की कोशिश की, उनको धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। और आपको बता दूँ, इससे पहले भी जब उन्होंने विधानसभा में उठाया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा था पहला आदमी जो उदयपुर का, जिन्होंने एक बार उनको सलाम उनको सलाम है कि उन्होंने मेरे कांग्रेस के मुद्दे को उन्होंने उठाया है और उदयपुर की जनता के लिए 1200 करोड़ रुपये बचाने की कोशिश उन्होंने की। उदयपुर न्यूज चैनल भी ऐसे जन नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर देता है। आप बताएं कि क्या राज्य सरकार और नगरीय निकाय जो सरकार है दोनों एक ही पार्टी की होने से जांच कोई प्रभावित होती, क्योंकि आप स्वयं वकील हैं? नहीं, प्रभावित होने का कोई इशू नहीं। अब ये जो इंटरनल बातें बता रहे हैं इस बात की मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि ना तो मैं कोई जांच एजेंसी हूँ, न मैं नगर निगम का कोई अधिकारी हूँ, न मैं नगर निगम का पार्षद हूँ। लेकिन जिस भी दिशा में वर्तमान सरकार ने कम से कम इस इच्छा शक्ति के साथ काम करना तो प्रारंभ किया, पूर्व में सरकार रही कांग्रेस की, वो ऑर्डर कर देते, उन्होंने कुछ नहीं किया,
अजय जी पोरवाल साहब तो हमारे शहर के सम्मानित कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनकी बात को मानते और कांग्रेस द्वारा कोई जांच करा लेते, उस समय भी हमारे यहाँ बोर्ड था। अगर हमारा बोर्ड दोषी था, जैसा आप बता रहे हैं सीधा सीधा हमारे बोर्ड पर आरोप लगा, हमारा बोर्ड दोषी था तो उस समय आपके पास में बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल खुली व्यवस्था थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। हमारी इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ईमानदार व्यवस्था कायम करने के लिए हमारे विधायक जी लगे और निश्चित रूप से वहाँ पर नगरीय विकास मंत्री जो है उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में उदयपुर भ्रष्टाचार से मुक्त हो, उदयपुर की ये जो प्लॉट किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार की जद में जो है उसको मुक्ति मिले, इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं और एक अच्छा समाचार उदयपुर को आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, एक धड़ा ने जब चुनाव लड़ने की बात कही तो दूसरे धड़े ने भी चुनाव लड़ने की मंशा यहाँ पर जताई थी, क्या यही वजह रही कि आपका विषय इंटरेस्टिंग हो गया और आपके विषय में ज़्यादा जान फूंक दी गई? इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला मैं कैसे बता सकता हूँ? एक आपने भी इसीलिए शायद उन्हें चिन्हित करा। दूसरा एक चीज़ बता दूँ, मेरा उठाया हुआ मुद्दा अगर विधानसभा और लोकसभा में उठ रहा है और मैं अगर मेरी ईमानदारी शो हो रही है, क्योंकि आपको आज बता दें अशोक गहलोत ने 4 बार SOG को कह दिया था, पर जांच करने उस समय जांच शुरू हुई थी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, एक बात, इन्होंने बिल्कुल राइट पॉइंट बोला कि भाई जब सरकार आपकी थी, सरकार से बड़ा तो नगर निगम नहीं है ना, राज्य सरकार से बड़ी तो नगर निगम नहीं है। नगर निगम का मालिक कौन है? आप चाहते हैं, एक मिनट बात सुनो, अगर आप चाहते हैं तो क्या जांच करवा कर तुरंत कार्रवाई इस पे नहीं करा सकते? मैं आपको बता दूं, नगर निगम की हर बैठक में आपने भी रिकॉर्डिंग की होगी, उदयपुर के जो नेता हैं जो महामहिम बन गए हैं उस समय विधायक थे, विपक्ष के नेता थे, वो चाहते थे उन दोषियों को उसी समय नहीं पकड़ लेते, अधिकारियों को सोचा। आज तक इस बात का आश्चर्य है कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कार्य हो कैसे सकता है उनके बिना नॉलेज के अंदर। 16 CC का नोटिस था, नगर निगम ने कराया, क्या उन्होंने कभी सूद ली थानों में कि भाई इनको पकड़ा क्यों नहीं? खाली अच्छा अभी भी आपको बता रहा हूँ, चाहे ताराचंद जी को सलाह में उन्होंने उठाया, पर नगर निगम के आने वाले समय में चुनाव है, वो इस डैमेज कंट्रोल को दूर करने के लिए 272 का मामला उठा के दबाना चाह रहे हैं। जब मानूंगा जब दोषी व्यक्ति कटघरों के बीच में जाएगा। जी अच्छा, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सिर्फ ये इसलिए उठाया ताकि आप उसको भूल जाओ? हाँ, ये भी गेम बेच बैठा ऐसा है कि शक का तो कोई इलाज किसी नीम हकीम के पास भी नहीं है। आपको ईमानदारी से काम करो, एक व्यक्ति ने यहाँ से चल के बार बार विधानसभा का रिकॉर्डेड बयान है, विधानसभा में रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विषय कोई होता है अपने क्षेत्र का तो उसको उठाया जाता है, उन्होंने उस ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव के माध्यम से उसको उठाया और पहली बार जो MLA बना उसने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के इस प्रकार के भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की मोदी जी की जो नीति है उस नीतियों की पालना करते हुए और इस प्रकार से एक अच्छा कृत्य करने का प्रयास किया। अब आप उसको कुछ भी कह दो, आप तो कह दो कि साहब ये खाली हमारा ध्यान भटकाने के लिए उठा लिया, विधानसभा में जो रिकॉर्डेड बात है उस रिकॉर्डेड बात को सिर्फ खाली एक खेल में तो नहीं उठा लिया होगा, कोई सड़क चौराहे पे किया हुआ भाषण तो नहीं है, वो तो जब तक ये विधानसभा रहेगी तब तक वो रिकॉर्डेड रहेगा, इसलिए बहुत गंभीरता से उस बात को उन्होंने कहा है। मंत्री जी भी इसके प्रति गंभीर हैं, निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि भ्रष्टाचार के प्रति ना तो कोई कांग्रेस है ना कोई BJP है, भ्रष्टाचार जो भी व्यक्ति करेगा उसकी कोई पार्टी नहीं है, भ्रष्ट व्यक्ति को उसका सही अंजाम देना चाहिए, लेकिन साथ में एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति पे फटाफट हम कोई भी मान लो किसी दुष्टावश भी हमने कोई आरोप लगा दिया तो तुरंत उसको फांसी पे टांग देंगे तो फिर वापस अगर वो निर्दोष सिद्ध हुआ तो उसको वापस कहां से लाओगे, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि पारदर्शी तरीके से एक अच्छी एजेंसी SOG एक अच्छी एजेंसी है जिसकी क्रेडिट है, उस SOG के माध्यम से पेपर लीक की जैसे गंभीर अपराध के अपराधी पकड़े गए निश्चित रूप से इसके अपराधी भी पकड़े जाएंगे और पेपर लीक हुआ था तो लोगों ने कहा कि कुछ होगा ही नहीं, सब खत्म हो गया, लेकिन आप और हम सब देख रहे हैं कि 60-70 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जेल के शिक्षकों के पीछे डाला है, निश्चित रूप से इस विषय की भी सरकार जांच कर रही है, जांच करने के बाद हो सकता है जांच में 15 दिन ज़्यादा लग जाए 10 दिन कम लग जाए वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक बार जो अच्छा काम चालू हुआ निश्चित रूप से उसकी अच्छे से जांच होगी और जांच होने के बाद में जो भी व्यक्ति दोषी है चाहे वो मैं हूँ चाहे अजय जी हो चाहे मयूर जी हो कोई भी व्यक्ति हो, मेरा तो ये कहना है कि शहर की जनता के हित में उससे वसूली भी होनी चाहिए और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी
अगर मान लो कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है और कहीं मकान बना हुआ तो उस पर भी बुलडोजर चलेगा कि नहीं? निश्चित रूप से चलना चाहिए, लेकिन चलाते समय ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति का उस घोटाले में कोई हाथ था या वो एक इनोसेंट परचेजर है या वो एक इनोसेंट परचेजर है। ये इसलिए तय किया जा सकता है, घोटाला वाली जमीन में बैठा तो वो घोटाले में आ जाए, इसलिए तय किया जा सकता है कि जो शहर का जो एक सामान्य नागरिक है वो कहीं पे भी मान लो 1200-1500 स्क्वायर फीट की कोई जमीन लेने जाता है या प्लॉट लेने जाता है अपने मकान के लिए, तो उसके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो इन संस्थानों के अंदर घुस के उन सब कागजातों की जांच करा सके। ऐसी स्थिति में उसने खरीदा, अपने जीवन भर की कमाई लगा दी, कहीं बैंक से लोन ले लिया और उसने अपने पूरी व्यवस्था को खर्च करके और कहीं मकान बनाया है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में विचार करते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो मूल व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने उस घोटाले को किया है, उस मूल व्यक्ति तक पहुंचकर उसके खिलाफ कार्रवाई 100% उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जितना पैसा बाजार रेट से बनता है उस व्यक्ति से वसूल होना चाहिए, और वो नहीं देता है तो उसके घर पे बुलडोजर की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। वकील साहब है, वकील साहब ने बिल्कुल एक बढ़िया शानदार गली भी निकाल दी। नहीं, गली नहीं, इन्होंने कहा, उन्होंने जो बात कही ना, अगर मान लो किसी ने अगर चोरी का सामान खरीदा उसको नहीं पकड़ती पुलिस? अरे बात सुनो आप, मूल व्यक्ति की बात कही है, जितने मूल व्यक्ति के नाम से जो पट्टे बने ना वो तो मर चुके हैं, तो बच्चे अबे गाड़ी में चलाएंगे? मैं यही तो वकील साहब से कह रहा हूँ, मरे हुए आदमी की लेके आए कि मेरे पिताजी ये जगह छोड़ के गए, मेरा म्यूटेशन खोल दें, वो मामला हुआ है। तो मूल व्यक्ति तो पिताजी थे, पिताजी तो मर गए, अब जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो पोता बन के बेटा बन के जो आया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मूल व्यक्ति वो कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये पोते ने आपको आज के नाम पे? मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं जांच के लिए समय लग सकता है, मैं आपको बता दूं, जिस मामले ने मुद्दा उठाया ना मैं हूँ, उस मेरे पे जितने आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर बैठे ना बड़े बड़े पदाधिकारी, आज नाम बता ही दो ना यार, जो डिप्टी मेयर साहब है जिन्होंने बाजार में पार्षदों के सामने कहा कि अजय पोरवाल ने इतने करोड़ रुपए ले लिए और मामला ठंडा कर दिया, ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई अखबार वालों को भी कही जिन्होंने मेरे को आके कही, जिसकी जिसका मैं वो सत्यता नहीं बता सकता हूँ, पर वो लोग आके मेरे मित्र हैं बताते हैं। जब एसओजी की जांच चली और उन्हीं व्यक्ति ने फतेह सागर पे आपके कार्यक्रम में मेरे को नीच नीच का, आपके पास भी रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि वो इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है वो उनके व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज चाहे रामकृपा जी हो, चाहे ताराचंद जी हो, चाहे मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री हो, अगर कोई भी दोषी हो और अजय पोरवाल भी दोषी हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें दोषी हूँ तो निश्चित तौर से मेरे मकान को और मेरे को जेल में डालना चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। इन्होंने तो डायरेक्ट नाम जद बात करी है कि बिल्कुल डिप्टी मेयर साहब के लिए बात करी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं कि मैं इस व्यवस्था का पार्ट नहीं हूं। नहीं, आप नहीं है, पर आप उस पार्टी के पार्ट है, जिस पार्टी के पार्ट आपके डिप्टी मेयर साहब भी है। ऐसा मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार का आरोप है वो आरोप मिथ्या साबित हो, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन फिर भी एक एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उस एजेंसी की जांच के दौरान उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। एजेंसी अपना काम करेगी, स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी से प्रभावित नहीं है। बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े आज दिन तक भारत में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, उन सब उसमें जो दोषी लोग थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी अप्रोच थी, लेकिन फिर भी उन एजेंसियों ने उनको दोषी माना, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। ये भारत का महान लोकतंत्र है, यहाँ पर आदरणीय नरसिंह राव जी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद में लक्खू भाई पाठक का एक छोटा सा मुकदमा था धोखाधड़ी का, उसमें देश का प्रधानमंत्री 30,000 कोर्ट में आके एक सामान्य मुलजिम की तरह खड़ा रहता था। ये हमारे महान लोकतंत्र की जीत है। इसमें किस व्यक्ति को सजा हुई किसको नहीं हुई वो दूसरा विषय है, लेकिन यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री तक अगर छींटे गए तो उसको भी पूरी न्यायिक व्यवस्था का सामना करना पड़ा। इसलिए यहाँ पर न्याय से बड़ा कुछ नहीं है, न्याय से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से एक एजेंसी अगर जांच करती है उसको जांच करने दीजिए, जांच का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बाकी हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि मैं उस व्यवस्था का पार्ट नहीं हूँ, मैं उस एजेंसी का पार्ट नहीं हूँ। आप न्यायिक व्यवस्था के भाग हैं, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं।
हूँ कि क्या मौजूदा जो राज्य सरकार है वो आपकी पार्टी की है, शहरी सरकार आपकी पार्टी की है, इस वजह से कहीं न्यायिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता? नहीं पड़ता तो दावे के साथ चैनल के माध्यम से कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जयपुर के मेयर का उदाहरण ले सकते हो, मुनेश गुजर जो है उसको अभी 4 दिन पहले मेयर के पद से, जयपुर जैसे सिटी के मेयर पद से हटाया है। वो भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने ये काम करके दिया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि पद हो सकता है किसी के बाद, तात्कालिक रूप से हमको लगता है कि सत्य हार गया, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य हमेशा निश्चित रूप से विजय होगा। लेकिन उसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते ये ठीक नहीं होगा। न्याय के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति को सुना जाए, उसकी बात को सुना जाए, एजेंसी निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और काम करने के बाद में जो परिणाम लेके आएगी उस परिणाम के आधार पर कार्रवाई तय की जानी चाहिए, ये बात का मैं मानता हूँ। जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? राम कृपा जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ पे मेयर साहब के अलावा किसी को भी नगर निगम एक्ट में साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 बोर्ड की बात बता रहा हूँ जिसका नाम मैंने लिया है, वो उचित समिति के अध्यक्ष रहे, उन्होंने फाइलों पर साइन किए हैं। आप जाँच कर लेना कभी भी। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जाँच कमेटी के अध्यक्ष बने स्वयं, महापौर साहब ने बनाया नहीं बनाया उसकी कोई पत्र हमारे पास नहीं है। तो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई उस पर आपने साइन क्यों नहीं किए? जांच कमेटी के अध्यक्ष का भी साइन करना चाहिए था, मेरे से भी करवाना चाहिए था और आशीष से भी कराना चाहिए। सिर्फ अधिकारियों से साइन क्यों कराएं? शंका तो वहाँ होती है आदमी पे। आप बताएं ना, अगर जनप्रतिनिधि नगर निगम एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो महापौर है वो ही फाइलों पर साइन कर सकता है, उसके अलावा किसी को भी राइट नहीं है, चाहे डिप्टी मेयर हो, चाहे वो राइट वो जो अपने जो राइट है वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। अच्छा। परंतु 5 बोर्डों की जिस समिति के वो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने हर फाइल पे साइन किए, पांचों जो मैं आपको जो पांचों कार्यकाल के जिस समिति के अध्यक्ष हैं उन पर उन्होंने साइन कर रखे हैं। और मैं स्वास्थ्य समिति 2009 से 2014 में था, स्वास्थ्य समिति की हर फाइल पर उनके साइन हुआ करते थे, जो बिल्कुल गैरकानूनी है। जी, तब आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? आपको पता है, आप उस समय पत्रकारिता नहीं करते थे, उस समय भी हमारा इस मामले में रजनी डांगी को लिखित में शिकायत दी हमने। सर, आप कभी मीडिया के सामने आके आपने वाइट दी क्या उस विषय में? बिल्कुल दी। आप तो संपादक साहब को भी जानते हैं हमारे, आपने कभी दी क्या? आपको क्या होता, पूरा उदयपुर पत्रिका में खबर भी छपी हुआ। जी, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि उन्होंने साइन किया, उसकी भी फाइलों पर साइन किया, उसकी भी मेरे को आपत्ति नहीं है। तो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसको उन्होंने बंद कंपनी में बनाई उस पर उन्होंने साइन नहीं किए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, हमारे राम कृपा जी का भी आशीर्वाद है, उन्होंने कहा समय लग सकता है, पर वो समय टाइम बाउंड हो और अपराधी शिकंजों के अंदर जाए और उदयपुर शहर का जो जनता का पैसा है वो वापस उदयपुर की जनता के विकास के अंदर काम आवे। जिस तरह से आपने एलिवेटेड रोड पर लोगों को ठगा, 3-3 DPR बना के अब ये कह रहे हैं बना रहे हैं, हम इस तरह से नहीं करें। और 1200 करोड़ रुपए उदयपुर के उनको बेच के भूखंडों को उदयपुर के विकास में नए कहीं एलिवेटेड रोड और बनावे, इसके लिए मैं आशा करता हूँ। जो बन रही उसका तो विरोध करते हो आप? नहीं, आपको बता दूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपने बिग बहस रखी थी, उसमें पहला एक आदमी था जिन्होंने कहा था कि एलिवेटेड रोड बननी चाहिए उदयपुर के विकास के अंदर। अभी आपके सामने ये बनाया, किसी ने किसी आदमी ने आके कहा यार ये 40 लाख का, हमें विकास के अंदर कोई विरोध नहीं है, अगर विकास के अंदर बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसका विरोध हम जरूर करेंगे। जी, विकास के अंदर कोई विरोध नहीं, विकास के अंदर बेईमानी हुई, बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट करा कि भैया जब महापौर जी कोई साइनिंग अथॉरिटी है उसके बावजूद भी एक जो समिति अध्यक्ष हैं उन्होंने हर बार पर्चों पर साइन करें, पर जाँच कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद भी उस पन्ने पर उनके साइन क्यों नहीं, और जाँच कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ इनके साइन क्यों नहीं, और आशीष जी कोठारी के साइन क्यों नहीं, जवाब मांगता है उदयपुर की आम आवाम। मेरा ये निवेदन है कि दैनिक गतिविधियों में नगर निगम में कौन साइन करता है कौन साइन नहीं करता ये मेरा विषय नहीं है, मेरे को इसकी जानकारी भी नहीं है, तो इस पर मैं टिप्पणी करूं ये मेरे लिए उचित नहीं है। दूसरा कि आपका अजय जी भाई साहब का जो वर्जन था वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टिव है। आपने कहा कि भाई पहली बात तो जो कमेटी बनी उसमें किसी को चेयरपर्सन बनाया ही नहीं, ऐसा कोई लेटर इशू हुआ हो तो वो बता दें कि जिसमें फलाने व्यक्ति को चेयरपर्सन बनाया, इनको चेयरपर्सन किसी को बनाया ही नहीं उस कमेटी का। अब जब किसी कमेटी का कोई चेयरपर्सन है ही नहीं, वो एक्चुअल में अधिकारियों की कमेटी थी, क्योंकि एक मिनट वो अधिकारियों की कमेटी थी
उस अधिकारियों की कमेटी में जो नगर निगम के चुने हुए पार्षद थे, तीन जन है जिसमें अजय जी भाई साहब भी थे, इनको सहयोगी के नाते क्योंकि इनको विषय की जानकारी थी तो ये उस चीज़ को आइडेंटिफाइड कर सकते थे, इसलिए इनको सहयोगी के नाते रखा। इसलिए जो कमेटी का जो कंक्लूजन था या उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, मैंने उस रिपोर्ट को नहीं देखा, लेकिन वो रिपोर्ट की जो भी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट पे सिर्फ अधिकारियों के ही साइन होंगे ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो अधिकारियों के द्वारा आपका खुद का इनकी भूमिका सहयोगियों के रूप में हाँ, थी। आपका खुद का ये कहना है क्योंकि एक महापौर जी के सिवाय दूसरे जन को साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पार्षद उस अच्छा ये बता रहे हैं कि भाई एक जो समिति अध्यक्ष है जो हर पड़ते पे साइन कर देते थे, अगर ये कोई केस दर्ज कराए हुए तो इनका मुकदमा लड़ेंगे क्या आप? क्यों नहीं लड़ेंगे, मुकदमा लड़ने के लिए तो मैं कानून के विद्यार्थी हूँ, उसके लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, पक्की बात है 101% भाई साहब आप संपर्क कर लीजिए। नहीं संपर्क क्या करना, भाई साहब ने जो बात कही ना अभी अधिकारी की कमेटी बनी, मेरे को उस कमेटी जो बनी उसके अंदर पहला नाम बोलिए बोलिए नाम भारत सिंह भी, दूसरा नाम आशीष, तीसरा नाम अजय पोरवा, उसके बाद अधिकारियों के नाम आए। पहले एक कमेटी बनी उसमें अरविंद जी जारोली का नाम आया, फिर वो वापस कमेटी चेंज की। आप जो बात करें अधिकारियों की कमेटी बनी, नौ नगर निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को उसके अंदर लिया गया क्योंकि अधिकारी खुद दोषी थे। बात समझो भाई साहब, आपको बता दूं उस पे साइन जो मेरा नाम है मयूर जोशी, नेता भी दोषी अधिकारी भी दोषी और मेरा नाम है मयूर जोशी। मेरा ये कहना है मयूर जी कि कोई भी कमेटी जब तक वो ऐसा कोई ऑर्डर अगर निकला है, मैंने उस ऑर्डर को नहीं देखा लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर पैसा मेरी बात सुना है कि मेरा ये निवेदन सुना है कि अगर अगर ऐसा कोई लेटर निकला है और उस कमेटी में बिना किसी की चेयरमैनशिप के अगर मान लो 6 जनों की कमेटी बना दी जैसा आप बता रहे हैं, पर तो मीटिंग में वो कमेटी जो है उनके कहने बात कही कि मैं चेयरमैन उस कमेटी का, मेरे कहने मीडिया उन्होंने तीन जो बैठक हुई थी उस कमेटी की उसमें कहा हाँ मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूँ वगैरह घोषणा उन्होंने मीडिया के सामने की है। 50 चैनल थे और तीन ऐसा होता है कि जब तक कोई ऑथेंटिक लेटर जारी नहीं हो तब तक उस व्यक्ति का को तब तक उसको आप अधिकृत नहीं मान सकते हैं। अधिकृत मानने के लिए एक ऑथेंटिक लेटर होता है, आपको पता है कि वो आयुक्त अच्छा एक सेकंड पोरवाल साहब और राम गोपाल जी एक सेकंड, क्या पोरवाल साहब आप ये मानते हो कि जब विधायक साहब ने जो मुद्दा विधानसभा में उठाया तो उसकी जो सलाह लेने के लिए कानूनी रूप से सलाह लेने के लिए राम गोपाल जी तक तो वो पर्चा गया ही होगा? तो राम कृपा जी के नॉलेज में तो हर चीज है, कब कौन सी कमेटी बनी कब कौन सी नहीं बनी आपको बता दूं, नॉलेज नहीं, इनको पूरी फाइल रटी हुई है, एग्जाम देने जाते हैं जैसे एग्जाम में रटी हुई है, इनको प्लॉट नंबर भी मालूम है और सब चीज मालूम है, ये मेरा बड़ा भाई है। पर मैं आपको बता दूं इन्होंने जो प्रयास किया, हमारी बात सुनी और विधानसभा में उठाया और जो आश्वासन राजस्थान की जनता के सामने सदन के अंदर रखा, मैं उनको सैल्यूट दे रहा हूं इन सबको कि ऐसे मामले को बाजार में जो है घोटाला खुलना चाहिए चाहे इसमें कोई भी दोषी हो, इससे भारतीय जनता पार्टी का हो। अच्छा आज चैनल के माध्यम एक प्रश्न और दोनों से पूछना चाहते हैं, क्या उदयपुर की आम जनता के लिए आप उन 272 भूखंडों को चिन्हित कर सकते हैं क्या दोनों जने? मैं कर सकता हूँ, आपने तो कर रखा है, मैंने कर रखा है। आप इनका सहयोग करेंगे क्या? 101% सहयोग करेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में जो भी मेरा व्यक्तिगत रूप से मदद होगी निश्चित रूप से आधी रात में वो मदद करने के लिए तैयार। आप बताएं उदयपुर न्यूज इस मुहिम में आपके साथ चलेगा, उन एक एक जगहों को चिन्हित कराएंगे क्या? बिल्कुल, जब समय आएगा एसओजी। समय कब आएगा? मेरी बात सुन लो, एसओजी आप भी कह रहे हैं कि जांच के लिए समय आएगा, आप भी कह रहे हैं समय आएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, उदयपुर न्यूज के जो हमारे जो पत्रकार हैं वो मेरे घर से सारी सूची लेके गए हैं। आप लेके गए सूची, 385 प्लॉटों की सूची दी थी और आपने कहा था एक एक बार हमें सूची जारी करूंगा, पर चिन्हित करके जगह बता दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से आपने सूची दे दी, मेरे को चिन्हित करके जगह बता दो। अभी एसओजी की जांच चल रही है, जिस दिन एसओजी हमारे को कहेगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहेंगे और ये हमारे राम कृपा जी कहेंगे, ये साथ चलेंगे, मैं एक एक प्लॉट को सबको बता दूंगा। राम कृपा जी भैया मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी मामले का कोर्ट में विचाराधीन चल रहा हो तो क्या उसको टीवी पर प्रकाशित किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। तो फिर आप इस में विलंब क्यों करना चाह रहे हैं? फिर भी देखिए अल्टीमेटली चाहे आप कितने इनोसेंट आप कितने ही अखबारों में प्रकाशित कर लो, कितने इस मीडिया चैनल पे बता दो,
लेकिन अल्टीमेटली किसी भी दोषी को सजा कौन देगा? सजा हमारी न्याय व्यवस्था देगी। तो उस न्याय व्यवस्था पे हमको विश्वास करना बहुत जरूरी है। उस किसी न किसी एजेंसी पे आप गलत हो सकते हो, वो गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन किसी न किसी एजेंसी में पुलिस गलत हो सकती है, आपके CID गलत हो सकती है, और कोई एजेंसी हो वो गलत हो सकती है, SOG पे विश्वास करना पड़ेगा। SOG ने जिस दिन हाथ खड़े कर दिए कैसा हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है और ये आपका मामला गलत है, तो फिर हम अपने दूसरे स्तर पर उससे लड़ने का प्रयास करेंगे। प्लान भी रेडी है, न्यायालय के द्वार खुले हैं, निश्चित रूप से लड़ेंगे और शहर की जनता के हित में 100% लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो दोनों ही जो वक्ता थे उनसे हमने बात करी और 272 भूखंड जो बहुत ही बड़ा घोटाला था उदयपुर शहर के इतिहास का, आज तक का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ, 1200 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी हुई है, ऐसा अंदेशा है कि 1200 करोड़ रुपए के आसपास की लागत इसमें है और इसे इस तरह से यहाँ पर बर्बाद किया गया, उसके लिए शहरी सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। तो छठवीं बड़ी नाकामी दिखाने का प्रयास करा नवरात्रि के 9 दिन और 9 नाकामियों में छठवीं नाकामी थी 272 भूखंड। तो ये भूखंडों पर जो फैसला SOG में चल रहा है उस पर कब तक फैसला यहाँ पर आता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और साथ ही में पोरवाल साहब ने और राम गरबा जी ने बताया कि अगर SOG पर भरोसा रखना होगा, न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना होगा और उसके बाद भी अगर दोषियों को सजा नहीं मिलती है तो प्लान भी यहाँ पर रेडी है। उदयपुर न्यूज आपके साथ है, आम जनता आपको तय करना है कि आपके जो 1200 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी हुई है वो आपको चाहिए या नहीं, उस पर जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और कार्यक्रम को पूरा आपने देखा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जहां ये जिम्मेदार दिखे इस गलियारे वाले जिम्मेदार गलियारा दिखा है कैमरामैन इस गलियारे वाले जिम्मेदार जहां भी दिखे उनसे सवाल जरूर पूछे, कहो भाई साहब 1200 करोड़ रुपया कटे गया, जवाब दो। जागो उदयपुर, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।